इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और इजराइल इस वक्त इस कगार पर खड़े हैं कि किसी भी वक्त सीधा सीधा युद्ध शुरू हो सकता है। ईरान ने भी मानो कसम खा ली है कि इस बार किसी भी सूरत में इजराइल को नहीं बख्शना है। इजराइल भी ईरान को घुटनों पर लाने के लिए तैयार खड़ा है। अमेरिका और ब्रिटेन भी इस युद्ध में उतर सकते हैं। यह हो सकता है कि कुछ सुन्नी अरब मुस्लिम भी ईरान के खिलाफ हमला करें या इजराइल पर ईरानी हमलों को रोकें। ऐसे में ईरान ने अपने सबसे करीबी दोस्त रूस को याद किया है और दोस्ती के कर्ज को निभाने के लिए रूस भी आगे आ गया है। ये तो ईरान भी खूब जानता है कि हवाई लड़ाई में इजराइल की ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए ईरान ने रूस से बेहद ताकतवर और कारगर एयर डिफेंस और रडार सिस्टम देने की गुजारिश की है। वो सिस्टम है S-400। S-400 को दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। अब रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु के तेहरान दौरे के 2 दिन बाद ईरानी अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स से ये पुष्टि की है कि ये सिस्टम दिया जाएगा। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान से रूस के सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु ने सोमवार को मुलाकात की थी। पेजिशकियान ने इस दौरे में इस्माइल हानिया की हत्या को लेकर इसराइल के हमले पर चर्चा की थी। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने इसराइल को सजा देने के लिए कसम खाई है। उन्होंने कहा है कि हानिया के खून का बदला लेना हम अपना कर्तव्य समझते हैं, क्योंकि उन्हें ईरान की जमीन पर मारा गया। खैर, अब दोनों ही देश उस कगार पर खड़े हैं कि शायद किसी भी वक्त सीधा सीधा युद्ध शुरू हो जाए। दोनों ही देश इस बात की कोशिश में लगे हैं कि किस तरह से वो सामने वाले देश को मात दे सके। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर जो भी अपडेट होगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। देखते रहिए एबीपी लाइव।